लेग स्ट्रेच करनी थी, इसकी पोजीशन देख लो कोई। करियो करियो बटिया ना। जल्दी चल यार, बस चल रहे हैं, चल रहे चल रहे भाई, बस रेडी हो गया हूं। तेरे रेडी के चक्कर में वो 10 के गए उसने, बर्फीज के गए उसने, बर्फीज। हां बर्फीज वो तो ठीक है भाई, रात को मैं सोया हूं 5:30 बजे, ठीक है। हां सुबह 4:30, हां सुबह है, कुछ खाते खाते कर लूंगा, लेकिन जब तक ब्रेकफास्ट भी रेडी ना था वो 8 बजे 8:30 बजे रेडी हो गया। मैंने नंगा दिख रहा हूँ जब तक नहीं शक्ल शक्ल आ रही है ना, तो मैंने वो करा, नंगा ही दिख रहा नंगा, कोई बात ना। तो मैंने वो करा वहां पे बैठ के एडिटिंग करी, फिर ऊपर आया, मैंने कहा इसकी नींद खराब ना होगी, अरे यो देख लो अब तक कैसे डोल रहा है मुना, जूते अच्छा जूते तो पहरे ना थे, ठीक है। तू का क्या मतलब है वो यार, वहां जाके फिर तारने हैं तो पैर नहीं, क्यों परेशान क्यों होना। हाँ ये भी बात है, जल्दी पकड़ी से आना। हम कल भी लेट हो गए थे, हम आज भी लेट हो गए, और लेट होने की सजा ये रहा है हर एक मिनट पे वो 10 बर्पीज कराते भाई। कल 5 मिनट लेट थे, 50 करी थी, आज तो हालत खराब हो जाएगी क्योंकि 10-1 ऑलरेडी यही हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, नई वीडियो में आपका, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग, अरे यार किसका मैसेज आ रहा है, उनका यार है कि लेट हो गए, कोई बात नहीं अब हो तो गए, कपड़े पहन के निकलता हूँ, फिर आज आपको उनका कैफे भी दिखाऊंगा, वहाँ पे जो कैफे है ना साइड, मैं आज सोच रहा रात को, मैंने कहा वो एक्सप्लोर क्यों नहीं करा हमने, आज दिखाऊंगा तुम्हें। वो कैसा लगा तुझे, थलासा कैसा लगा, मजा आगा पटियाला को भाई, बागी बहुत खतरनाक। कल रात को भी वहां पंगे करिए, आज दोबारा चलने की ओर कह रहा, वाह जीते, जल्दी तैयार हो ले भाई, मेरे कपड़े कहां। गाइस देखो मेरी साइड से सो रही है यार, मैं बीच बीच में ना वो नंगा ही आ जाता हूँ, मतलब तुम्हारे सामने, मतलब बिना टी शर्ट वीशर्ट के, अगर बुरा लगता है ना तो मेरे को बता देना, मैं नहीं आऊंगा, मैं अब थोड़ा सा ऐसे भूल जाऊँ मैं, कि मैं चल ठीक है जैसा भी है, डेली व्लॉग्स हैं तो उसमें तुम्हें सब कुछ सच्चाई देखने को मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई अच्छा होगा तभी देखने को मिलेगा, तो जो भी है देख लिया करो, झेल लिया करो। जिम वैसे जिम अगर हम पहले कर ले तो ज्यादा सही है, कि पागल है वहां जाके बार कंपनी का होगा, स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, टाइम टाइम नहीं है ना, पर शरीर लेट रोज लेट हो जाना यार, आज तो मेरी वजह से नहीं हुए लेट, आज भी इसने लेट कर रहे हैं, अरे आज मेरे बाथरूम में 1-1 घंटा बड़ा रहेगा यार, पता ना क्या आलू फंस रहा है इसका, एक तो रात से नींद पूरी ना हुई और आज वो बोनी हार उधेड़ देगी। अरे यार 8 मिनट ऑलरेडी लेट है, 10-1 मिनट लग जाएंगे, किक 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 पागल कर देगी। मैं तो आज नु कह दूंगा, अगर उसने ज्यादा नु कह दी ना कि इतनी बर्फ की, ओ की क्या है इसने जो बर्फ की, ठीक है, तो मैं तो नु कह दूंगा, तो पथरी का दर्द हो रहा। 10:16 पे पहुंचे, इस हिसाब से तो हमारा मरना बनता है, पर रिक्वेस्ट करके देखूंगा, अगर मान जाएगी तो, मान जाएगी वैसे तो कह दूंगा, कुछ दिक्कत हो गई थी, सॉरी यार भाई, हमारी वजह से सबको बर्पीज करनी पड़ी है। बताइए क्या होता है, हमारा ना एक्चुअली रूल है कि अगर आप 1 मिनट लेट हो तो 10 बर्पीज करनी होती है, हम तो पहुंच गए टाइम पे, भाई हो गए लेट यार, हमारे पास बाइक नहीं थी, हम पैदल बताते हैं, अरे दिक्कत होगी भाई ना करिए, मैं कॉल मैं चेक नहीं किया, अभी चेक किया तो उतनी देर में फिर आ ही गया था, इतने हम लेट हो चुके थे, हमें लगा कि हम इन्हें पटा लेंगे, लेकिन आज हमारी वो फास्ट है पटियाला, वो नहीं मैडम आई नहीं, पटियाला ने वट कट दिया मेरे, पटियाला 5 में गया था, मेरे 50 हो गए। ये सीट बहुत खतरनाक है, ये मानता नहीं है, हराम है। जो करना है इन्होंने वो बताता हूँ, क्या बताया देखिए, हुक स्लो किक, ठीक है, लेकिन किक करे कैसे यहाँ, पहले ही जो ब्लेड है इस पर नील पड़ा हुआ कल का, अब तो नुआ है कि ऊट पटा के मार सका यार, मेरे ना नील पड़ेगा यार पैरों में, यहाँ का ऐसा नील पड़ेगा, ओ यस स्टिल दर्द हो रहा, पर करेंगे, बाहर चले छोड़ आज, एक छोरी आई थी हम बढ़िया जिसने, वो दिख गई, इसकी बुद्धि खराब होगी, वहीं चला गया दिमाग, चलेंगे अभी चलेंगे, वहीं चला गया इनका दिमाग, सर यार मेरा तो बाहर ही है, मेरा तो घर ही ना आया दिमाग, चक्कर क्या, क्योंकि कल लेग्स का करा था तो ये सब दुख रहे थे बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा भाई सेड आज ऐसा है, कोनी वोनी करवा दे एल्बो का और उसका हाथ का, जो अभी ठीक है हमारे, ये छिलगा ठीक है, मैं छिलगा ठीक है, सेड ब्रो अगर मुझे कुछ होगा ना, मेरी मम्मी आके बोनी तो बहुत लड़ेंगी यहाँ, और मेरा भाई तुझे ठाक ले जाएगा, सच में सही में, हिज ब्रदर इज अ बॉक्सर। अगर ये सेम चीज जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर ये मैंने वहाँ जाके घर जाके भी कंटिन्यू कर ली, तो 1 महीने के अंदर अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मेरे को लग रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं वहाँ जाके कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी को ना, मतलब कभी भी देखना किसी भी चीज में, तुम अगर अपनी बॉडी को पुश करते रहोगे ना कि हाँ ये करना है, तो तुम्हारी बॉडी वो करेगी और ईजिली करेगी। मैं रात को 1 घंटा सोया हूँ आज, सिर्फ फिर भी मैं इतना ही फ्रेश था जितने बाकी सब लोग थे,
उनसे ज्यादा ही होगा, कम नहीं था। आराम ही देखे लेकिन इससे नीचे नीचे सारे ने पता इतना की सीट गरम है, खुद पहले बैठ गया था, इतना गरम लगा नंगी टांगों पे समझ जाओ तुम, तो वैक्सिंग होगी इसकी, हालत खराब होगी एकदम, जी निकल गया कई गाड़ी बाकी से। मजा आगा मजा, बाबा राम राम। देखा अंग्रेज भी राम राम कर, हम सिर्फ रात ने ना दिन में भी छेड़ा और छोरी नहीं ना बूढ़े ने भी छेड़ा, क्यों भाई गुंडे हराम गुंडे। भाई ये हमारा भाई है, ये इतना स्वाद जूस बना रहा है भाई, सुनो एक गिलास तक काम नहीं चलेगा आज, आज आपको भर के बनाना पड़ेगा एक जग, ठीक है जितना हो सके बना दे, एक जग जूस तो मैं पी जाऊंगा, दो बूंद ही हो पिएगा, तो वही जो रोज बनाते हो ऑरेंज, हाँ बढ़िया से बना दो, उसमें चीनी मत डालना है, ठीक है रोज चीनी तो नहीं डालते ना, चलो ठीक है पर चीनी मत डालना है, बढ़िया से बना दो। साथ साथ वीडियो अपलोड हो रही है और जूस चल रहा है, जूस अभी चल रहा है मतलब चलेंगे अभी तो एक कई ग्लास। प्रधान जी राम राम, राम राम सबको, राम राम कर दो एक बार, राम राम भाइयों सारो। भाई अपने हरियाणा चाहिए, मैंने बताया था हरियाणा वाले ने हर जगह कहर मचा रखा वैसे ना भाई, गोवा खरीद लो अब कुछ दिन में, लो भाई अपना जूस इज रेडी अपने। मैंने कहा भाई बहुत स्वाद बनाओ आज, तीन चार ग्लास बना के रख दो, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए हमने जूस पीते ही खाना भी खा लिया साथ साथ, मैंने कहा चल हटा देखी जाएगी अब इसकी हो रही है आज आसन खराब, कल कब हो रहा है इसका, अरे ज्यादा खा लिया यार मैंने कल, वेट बढ़ गया मेरा कल रात में, अरे अभी कल रात में तो खाना ही ना खाया तो दूध भी आज रहा, खुद ही बता दिया दूध के बाद खाना खाने की जरूरत ना पड़े ना, अच्छा ऐसा है क्या, अरे फिर कल ये तीन चार दिन जो हम यहाँ गोवा में रहेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ हमारे पिछवाड़ा दाफड़ हो जाएंगे, हमारे इतने दाग हो जाएंगे क्या ही बताऊँ, गर्म इतनी हो जावे सीट गर्मियों में हमारे, वहाँ तो जून जुलाई में भी ना होवे, छाले हो गए तेरे का फूट गए नीचे, ओ दर्द कर रहे, दर्द सारा शरीर कर रहा यार, बहुत ज़्यादा धूप है अंकल जी, आए ना आप बैठे हो ऐसे गर्म बाइक पे बैठे हो कभी, बहुत बार बैठे हो फिर जलता नहीं है, बहुत जलता है ना, दर्द होता है साला, दर्द होता है दिल में, पटियाला को तुम ज़्यादातर सोते हुए देखोगे क्योंकि एक्सरसाइज करके भी हो जाएगा हालत ख़राब, ठीक है अभी हम खाना वाना खा गए, कुछ खाने का नशा कुछ वैसा नशा कुछ एक्सरसाइज का नशा, तो ये तो सो गया, मैं भी सोच रहा था कि कहीं घूमने जाएंगे कुछ, मैं बाथरूम में फ्रेश व्रेश होना है, इतना मैं भाई साहब सो चुके हैं तो थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेता हूँ, क्योंकि 4 बजे या 4:30 बजे हमारा सेशन भी है योगा का, क्योंकि आज बोनी नहीं आई थी, मतलब बोनी जो हमारी ट्रेनर है वो रशियन सी, रशियन ने पता नहीं ये ब्रिटिश है शायद, ब्रिटिश है तो आज वो आई नहीं थी, तो आज वो शाम को 4 बजे सेशन लेगी योगा का, तो आइडियली मुझे नहा लेना चाहिए था, हमें नहा लेना चाहिए था दोनों को ही, लेकिन हम नहाए नहीं है, बस कपड़े थोड़े से ऊपर से चेंज करें क्योंकि वहां जाके एक्सरसाइज ही करनी है, अब पता नहीं क्या करनी है योगा वोगा जो भी करनी है, और 4 बजे वहां पहुंचना है, तो 3:50 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो निकलते हैं बिना कुछ लेट करे हुए, सुबह भी लेट हो गए थे अब भी लेट हो जाएंगे, अच्छे लगे निकलते हैं फटाफट, सुबह एक्सरसाइज करी थी तब भी प्रोटीन नहीं ले पाया था, तो मैंने सोचा अब योगा करके प्रोटीन ले लूंगा, ये देख लो तरीका तुम प्रोटीन डालने का, शक्ल के बजे पड़े हैं 12 क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले भी नहीं सोया हूँगा मेरे ख्याल में, क्योंकि एकदम से नींद भी नहीं आती, तुम लेट जाओ, प्रोटीन ले तो आया पर ये गर्म हो जाएगा यार, मेरे को तो इस बात का गुस्सा छोड़ मतलब दुख हो रहा है, तो पी लेना ही था अभी थोड़ी एक्सरसाइज के बाद पीऊँगा पहले, थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी करवाएगी वो, हाँ मतलब योगा के बाद, मैं नींद के वो उस वाले चरम पे था जो वो करो ना कि बीच में क्या करो उसे पता ना यार, मेरे को ऐसे भारी भारी वर्ड याद ना हो, पर हाँ जो नींद बढ़िया नींद आई रहेगा ना उसमें कच्ची नींद में उठता उड़ाऊंगा आज, इधर बानी है बानी ना बोनी है, ब्रो वेयर इज बोनी, वेयर इज बोनी, हमारी योगा टीचर इतनी बढ़िया है, सामान देखो क्या मंगवाया योगा करने के लिए, तुम्हारा भाई क्या करेगा, व्हेन यू वर बॉक्सिंग वाज इट हर्टिंग, व्हेन यू लिफ्ट वेट, यस यस, व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड इट हर्ट्स, हाउ डू यू नो देयर इज अ गैप, यू गॉट एन एक्सरे, योगा से होगा, टांग छोटी मोटी कैसे होगी, Get a blanket, the rest of you. देखने में शायद इतना मुश्किल ना लग रहा हो, ऐसे इजी लग रहा हो, लेकिन इसमें बहुत बहुत कंसंट्रेशन करनी पड़ती है एक ही चीज़ पे, बहुत मेहनत मतलब बहुत मुश्किल भी है वैसे करना, और हमारी बॉडी के लिए फिजिकली प्लस मेंटली दोनों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छी चीज़ होती है योगा, करनी चाहिए पर मतलब अगर रोज टाइम नहीं मिलता तो कभी कभी कर लो, पर कर लेनी चाहिए, बोनी भाभी नहीं आई, इन दीदी ने कराया, ये बढ़िया कराया वैसे मतलब जो भी था योगा के हिसाब से, योगा मैंने पहले की हुई है 8th क्लास में, तो उसका कोई काम ना था आज,
योगा सेशन हो गया, अभी थोड़ी देर कवाली करते हैं। कवालिया कर पे चार मजबूत नौजवान कंधे हो चटक जाता है वो। मेरा क्या कह रही, तुम्हारी कमर कैडी है ऐसा तो ना बोलना, बोलना इंग्लिश में, वो मेरे को समझ में आ गया पर मैं बोल ना पाया। वो कह रही कि क्या पूछ रही थी, डू यू हैव एन एक्सरे, पता ना कुछ पूछ रही थी। मैंने कह दिया था आई डोंट नो। अरे नहीं चल तेरी ऐसी रिकॉर्डिंग में पड़ा यार। वो नु कह रही थी तुम्हें कैसे पता चला कि आपने एक्सरे करवाया। मैं कहा हाँ बस उसका इतने जवाब दे रहा यस। तो यार ये वही जवाब दिया जा, इससे ज्यादा जवाब ना दिया जा मेरे पे। एक तो इंग्लिश को हिंदी में बात करे तो बता भी दे, सीखनी पड़ेगी रे। ना ठीक है इतनी बहुत है, इतनी बहुत है और इतनी बहुत है, इतनी जितनी हमने आवे इतनी बहुत है। आई डोंट नो। अरे आई डोंट नो तो कहने बोला भी ना यार, इसमें दिखा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे देखूंगा तब दिखाऊंगा तेरे को। वो समझ ना आई वो क्या कह रही थी, वो जो वेट उठाने वाली क्या कह रही थी, वो वेट उठाने वाली के हाँ वेट वोट उठाने वाली कह रही थी ना वो कुछ। वो नो पूछ रही थी, अरे वेट उठाने में दर्द होता है, वो तो मैंने हाँ कर दिया था यार। ना 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 वो कह रही हूँ कि वो करते हो जिमिंग करते हो हैवी वेट उठाते करा। यस ये ना कही तेरा, चल दिखा दूंगा। मैं सोच रहा था ऐसा स्कूटर सा ले लूँ, ये अच्छे लगते हैं कलरफुल से ना, पर ये बाइक हमारे जिम में पड़ी ओड है। कल रात ना हम जैसे लेट आए, सुबह लेट उठे तो 9 बजे तक का टाइम होता है ना वापस जाने का, फिर नहीं दे पाए सेशन पे चले गए, तो फिर अब ये दोबारा एक्सटेंड हो गया आज के लिए। और अब कल सुबह वापस इसे देखे कोई दूसरी या तो थार या कुछ बाइक वाइक लूँगा, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज का थोड़ा दिन, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा हेक्टिक सा हो रखा शेड्यूल, तो मैंने सोचा आज रेस्ट लेके आज एक ही ब्लॉग डाला था उस 3 दिन में, अब ये कल आपको देखने को मिलेगा, मतलब 21 तारीख को सुबह उसमें पूरा कवर करूंगा। रात को आज हम थोड़ा घूमने फिरने भी जाएंगे, जो भी थोड़ा बीच बीच पे जाएंगे सारा वो दिखाऊंगा। तो भूल भी जावे किसी के पैसा काटने भी, कौन उसके में वो डाल देता तेल ठंडा देता यार। हमारा के यार आज चलानी है इसमें बेचक, तो तू मिट्टी का तेल डलवा दे। नहीं मिट्टी का तेल तो चलेगी ना, फोन की इतनी प्यारी आई है वो देख कहाँ अरे हट जा प्यारी है। ओ देख के और गई है तेरी साइड, देखा ना इसकी साइड, पर फिर भी ऐसे लुक दे रहा जैसे इसी साइड देखा हो। हम लोग अभी खाना खाने के लिए गए थे, तो खाना खा के अरे 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 तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, तुम तो बड़े है। तो खाना खाने के लिए गए थे, तो मैं कह रहा मैं कह चल आ जा कहीं बीच बीच में घूमने चल रहे हैं खाना खाने के बाद। वो कटरे कह रही कि व्लॉग ना डाले, मैंने कह रहा यार आज आसंग सी ना है, मैंने बताया तो था तुम्हें, मैंने कहा आज आसंग ना है कल डाल दूंगा। यार आसंग का क्या मतलब है इसमें यार, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, दूसरा व्लॉग तुम्हारा पब्लिक वेट कर रही है। मैंने कहा यार तुम्हारा भाई जुबान कर दी तो कर दी, मैंने कहा चल ठीक है तैयार हो गए टिंच हो गए एकदम जाएंगे बीच पे, बीच पे जाएंगे पहले व्लॉग एडिट करके डाल दूंगा। तो ये व्लॉग यहाँ देख लो जाम कैसा लग रहा है, कैसा जेसीबी डोल रही है, रोड बनते डोल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं क्या भाई, जो भी है गाइज इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, अगर यहाँ तक देख लिया तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। अंकल ये गाड़ी बिका हुआ है क्या, गाड़ी बिका हुआ है ये? गाड़ी तो शौक के लिए, तो बेच दो ना इसे हमें, हैं मेरे खुले पैसे पड़े 13 रुपए बताओ। क्या बात कर रहे हैं।